तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप तैयार हो जाइए, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में निकले हुए जो अपडेट्स हैं, जॉब्स हैं, वरीयता सूची है, संशोधित सूची है या फिर नियुक्ति सूची है, उनका अपडेट जानने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देख लीजिए, कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा आदिवासी विकास शाखा, इसमें से निकली हुई है। देख लीजिए क्या है यहाँ पर। यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा में सत्र 2023-24 में प्रवेशित छात्र छात्राओं को CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक देने के लिए शिक्षकों की भर्ती होनी थी, अतिथि शिक्षकों की, और उसका जो है पात्र सूची जो है जारी हो चुका है। 21 जुलाई 2023 तक आप जो है दावा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर से। यहाँ क्या चीज़ें देख लीजिए, छात्र छात्राओं को केंद्र में राज्य शासन द्वारा संचालित इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु गैर आवासीय कोचिंग के माध्यम से कराया जाना है। तो इसके लिए आप जो है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन जो है 23 जुलाई 2023 तक भर सकते हैं। और इसके लीजिए ये इस प्रकार से फॉर्म जो है दिया गया है। इसके लिए हायर योग्यता अर्थात उच्च योग्यता धारी जो अभी जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये है। नेक्स्ट अपडेट बढ़ते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पदेन सदस्य सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय संचालन प्रबंधन समिति, तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू निकला हुआ है जो कि 27 जुलाई दिन गुरुवार पूर्वान्ह 10:30 बजे है। और पद इस प्रकार से हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान माध्यम अंग्रेजी है, शिक्षक कला प्रयोगशाला सहायक भौतिकी सभी अंग्रेजी माध्यम में है। इसके साथ ही देख लीजिए वॉक इंटरव्यू जो दिशा निर्देश, तो दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पर अगर उपस्थित होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला अपडेट है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये नया अभी अभी बना हुआ जिला है। यहाँ पर नई भर्ती सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है जिसका अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2023, और ये पूर्णतः गवर्नमेंट जॉब है। देख लीजिए पदों की संख्या कम है लेकिन ये बिल्कुल सरकारी नौकरी है क्योंकि यहाँ पर लेवल पेमेंट दिखाया गया है। ये भी लेवल 4 है, ये लेवल 1 है। तो अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि ये जो है 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण का मांगा गया है, तो इसमें आप जरूर फॉर्म भरिए। दूसरी बात, इस जगह में बहुत कम लोग फॉर्म भर पाएंगे क्योंकि नया नया बना जिला है, इसका विज्ञापन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट अपडेट बढ़ते हैं। अगला अपडेट है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद, ये शुद्धि पत्र हुआ है। यहाँ पर पदों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, देख लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कम पद है इसलिए फॉर्म नहीं डालेंगे, ऐसा मत सोचिए। फॉर्म डाल रहे हैं तो फिर फॉर्म डालिए, कम रहे या फिर ज़्यादा रहे। और बढ़ते हैं हम अपनी अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट क्या है, कार्यालय जिला समिति आदिम जाति कल्याण विभाग जिला महासमुंद में है, अतिथि शिक्षक छात्रों से अध्यक्ष की व्यवस्था तो प्राप्त आवेदक पत्रों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन जो है हो चुका है, और इसका जो दावा आपत्ति का अंतिम तारीख है 14 जुलाई 2023। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगली अपडेट है कार्यालय जिला आदिवासी विकास शाखा जिला महासमुंद, जिले में निवासरत पिछड़ी जनजाति समूह के तृतीय श्रेणी गैर कार्यपालिक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती हेतु सूचना का प्रकाशन करने बाबत, इसमें क्या लिखा है देख लीजिए। उपरोक्त विषय अंतर्गत शासन से प्राप्त निर्देशानुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र लोगों को उनकी पात्रानुसार जिले में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। सीधा सीधा इनका भर्ती हो रहा है, किसी प्रकार से कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, सीधा उनकी भर्ती की जा रही है। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन लोग के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी महासमुंद अंतिम दावापत्ति, तो ये पहला जो जारी गया है दावापत्ति किस विभाग में, जिला आयुर्वेद अधिकारी विभाग में, ठीक है। बहुत सारा जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में बहुत सारा जो विज्ञापन निकला हुआ था सभी में फॉर्म डाला हुआ है, लेकिन ये पहला जारी हुआ है। पात्र सूची जारी कर दी गई है, 18 जुलाई 2023 तक जो है यहाँ आप दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म यहाँ सबमिट किया है तो अपना नाम एक बार ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। अगला अपडेट बढ़ते हैं। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला कोरला पेंड्रा, और यहाँ पर कुछ सीधी भर्ती में कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित जो तिथि है 12 जुलाई को होना था जो कि स्थगित हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जो है गरियाबंद शाखा, इसमें आवेदन विज्ञापन निकला हुआ था, और गरियाबंद कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद अर्थात राजस्व विभाग कलेक्ट्रेट में आवेदन निकला हुआ था, सॉरी विज्ञापन निकला हुआ था। दोनों का जो पात्र सूची जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए 1 लाख के लगभग आवेदन पहुँचा था, और यहाँ पर देख लीजिए 38,000 का लगभग आवेदन पहुँचा हुआ था। तो दोनों का पात्र सूची जारी कर दिया गया है। इसका पात्र सूची इसके वेबसाइट में मिल जाएगा और मेरे चैनल में भी आपको मिल जाएगा क्योंकि इसका वीडियो डला हुआ है। तो अगर आपने इसमें फॉर्म डाला हुआ है तो ज़रूर इसमें चेक कीजिए कि आपका नाम है कि नहीं। अगला महत्वपूर्ण अपडेट है आदिम जाति कल्याण विभाग जो बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक का भर्ती होना है, उसका पात्र अपात्र जो है अभ्यर्थियों की दावापत्ति के लिए सूची जारी कर दी गई है। और कब आप दे सकते हैं तो देख लीजिए, 13 जुलाई 2023 से 18 जुलाई 2023 तक साक्ष्य अभिलेख के साथ दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपने इसमें फॉर्म सबमिट किया है तो देख लीजिएगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। ये वही है छूलो आसमान के तहत जो है NET नीट और JEE में कोचिंग हेतु जो है 9वीं 12वीं में अध्ययनरत जो छात्र हैं उनके लिए है। तो वॉक इन इंटरव्यू है, यहाँ पर देख लीजिए। उच्चतर योग्यताधारियों के लिए ये जो है विज्ञापन जो है जारी हुआ है और यहाँ पर वेतन बढ़िया, यहाँ 75,000 है जबकि यहाँ 25,000 और 25,000 है। तो यदि इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आप आवेदन सबमिट कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है और ये जारी किया गया है 10 जुलाई को और इसका जो लास्ट डेट है 10 अगस्त है, अर्थात काफ़ी समय है। इसमें पदों की संख्या देख लीजिए 4, 1 और 33, ये सभी गवर्नमेंट पोस्ट हैं और ये कलेक्टर दर पर हैं। तो अगर आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, अगला अपडेट है दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है और ये किस विभाग में है देख लीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत बस्तर जिले के वर्ष 2023-24 में रिक्त विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक दिनांक 20 से 6 अगस्त तक पृथक पृथक दिवस पर स्थान इस जगह पर उपस्थित होकर अपना आवेदन कर सकते हैं। ये सीधा सीधा कहना चाहिए वॉक इन इंटरव्यू है और इसमें अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए। अगला अपडेट है दोस्तों कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई बाल संरक्षण की, ये कहाँ का है दुर्ग है और इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं और संविदा में है। वेतन इसमें बढ़िया है, देख सकते हैं बहुत सारे पोस्ट हैं और इसमें अगर आप फॉर्म अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर वांछनीय योग्यता अनिवार्य कौशल इन सब के बारे में अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए और अगर आप पात्र हैं तो यहाँ पर आवेदन आप सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो मेरे ट्रेनिंग क्लब चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप मुझे बोलिए, मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला अपडेट है दोस्तों कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग में विज्ञापन जारी किया गया है जिसका अंतिम तिथि है 31 जुलाई 5 बजे तक और पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी में 18 पद है और इसके साथ ही आपका जो है सहायक ग्रेड 3 में 3 पद, वाहन चालक में 3 पद, आदेशिका में 3 पद और वृत्त फरास में 8 पद। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 में 7 पद है, मैंने मिस कर दिया। और आगे अपडेट की ओर बढ़ते हैं, तो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जिला कबीरधाम में निकली वॉक इन इंटरव्यू के लिए और इसका जो तारीख है 28 जुलाई 2023 सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। तो यहाँ पर IT वर्कर है और ये इनका जो है क्वालिफिकेशन है। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो 12,000 प्रति माह इसका वेतन है। अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जसपुर में ये कॉलेज है देख लीजिए, कार्यालय प्राचार्य शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय, इसमें अतिथि व्याख्याताओं के लिए नियुक्ति निकली हुई है और अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं इस प्रकार से तो ज़रूर आप इसमें पहुंचिए। अगला अपडेट है सरगुजा का, तो सरगुजा में देख लीजिए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सरगुजा में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय अंबिकापुर एवं अनुभागीय अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के लिए 30 नवंबर 2023 तक अवधि के लिए संविदा आधार पर 5 भृत्य के पदों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर ये उनका जो है कहना चाहिए सीधा से नियुक्ति आदेश है और यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 3 का नियुक्ति हो रहा था उसका कौशल परीक्षा का परिणाम जो है इस प्रकार से जारी हो चुका है। तो सरगुजा में कहना चाहिए निर्वाचन विभाग में भृत्य का नियुक्ति हो चुका है और सहायक ग्रेड 3 का नियुक्ति जो है वो प्रक्रियाधीन है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, बेमेतरा में कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बेमेतरा में सूचना है और यहाँ पर क्या सूचना है तो ये देखते हैं। कुटुंब न्यायालय बेमेतरा के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती किए गए जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। उनका जो पात्र अपात्र सूची तैयार की गई है, अपात्र किए गए अभ्यर्थी आवेदक से दिनांक 19 जुलाई के समय 5 बजे तक दावपत्ति आमंत्रित किया गया है। अगर आप इसमें अपात्र हो गए हैं तो 19 जुलाई तक जो है अपना दावपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है दोस्तों बिलासपुर में कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें जो विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई थी उसका जो है पात्र अपात्र सूची जो है वो जारी कर दी गई है और सूची यहाँ पर है देख सकते हैं ये। अगर इसमें आप अपात्र हैं तो देख लीजिए। अगला अपडेट है कार्यालय कलेक्टर सह स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी सेजेस का अपडेट है जिला कोरबा, तो ये दो है सीधा नियुक्ति सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है और इनका कार्यभार ग्रहण दिनांक है 26 जुलाई 2023 तक ये कार्यभार इनको ग्रहण करना है। तो जिनका भी नियुक्ति हुआ है उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। कार्यालय जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय जिला सूरजपुर है, ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, उसमें अतिथि शिक्षक की पात्र अपात्र सूची जो है वो
जारी कर दी गई है और आप इसमें 7 जुलाई 2023 से लेकर 17 जुलाई 2023 तक दावापत्र जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। सूरजपुर में एक और अपडेट है, यहाँ के अपडेट देख लीजिए। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अतिथि शिक्षक के इम्पैनल किए जाने हेतु अतिथियों के साक्षात्कार उपरांत मेरिट क्रम अनुसार पात्रता सूची, तो ये उसी का सूची है। नेक्स्ट अपडेट देखिए दोस्तों, प्लेसमेंट कैंप आयोजन होना है 21 जुलाई 2023 में को, और ये कहाँ पर है, जिला बीजापुर में है और इसमें पद की संख्या देख लीजिए, लोक सेवा ऑपरेटर है पद का नाम है, पदों की संख्या 5 और आधार ऑपरेटर है 16 पद। इसमें बढ़िया पेमेंट होता है मेरे ख्याल से, तो अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो ये आप जरूर पा जाइए। जांजगीर में देख लीजिए, कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर में, तो यहाँ पर प्राविधिक अंतिम सूची जारी कर दी गई है। किसकी, तो लेखापाल एवं संविदा सहायक ग्रेड 3 की नियुक्ति होनी थी, कहाँ पर, तो जिला खनिज न्यास संस्थान जांजगीर में। तो यदि अंतरिम सूची में यहाँ पर जारी कर दी गई है, अगर आप इसमें इंक्लूडेड हैं तो आपको कहना चाहिए शुभकामनाएं। दोस्तों अगला है, कलेक्टर सह अध्यक्ष जलग्रहण प्रसोक्त सह डाटा केंद्र WCDC जिला दक्षिण बस्तर विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर पद देख लीजिए, तकनीकी विशेषज्ञ है अनुराक्षित एक पद है, लेखापाल सह डाटा इंटरप्रेटर ये भी एक पद है, और यांत्रिकी DTC WDT ये भी एक पद है। तो ये पदों की संख्या 1212 है और इसमें बहुत सारा देख सकते हैं, इसमें जो शैक्षिक अनुभव है अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें जरूर जो है आप फॉर्म सबमिट कीजिए। दोस्तों अगला लास्ट अपडेट है दोस्तों, कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास जिला बीजापुर में, यहाँ पर देख लीजिए अधिक जानकारी है, तो जारी अंतिम वरीयता सूची के आधार पर एक पद हेतु नियुक्ति सूची, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जो है प्रकाशित की जा रही है, अर्थात नियुक्ति हो चुकी है। और किन की नियुक्ति हुई है, तो इनका चयन सूची नवीन कुमार दुर्गादास, ये कहाँ से हैं, राजनांदगांव से, इनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। प्रतीक्षा सूची में देख लीजिए, 2 लोगों को लिया गया है क्योंकि 1:2 में ही होता है प्रतीक्षा सूची, 1:3 में होता है, लेकिन एक ही पद है इसलिए इसको ऐसा किया गया है। तो दोस्तों ये रहा पूरा छत्तीसगढ़ का अपडेट, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ये सभी अपडेट्स आपको पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर हमको कमेंट कीजिए कि ये वाला अपडेट हमको दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।